सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे वृत्त में गुड़हल का फूल कैसे बनाते हैं एंड उसको कैसे पेंट करते हैं, जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो यहाँ पर गाइस, सबसे पहले मैंने एक प्रकार लिया है एंड एक पेंसिल लिया है, जिसके माध्यम से मैं एक वृत्त बनाऊँगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो फाइनली गाइस, हमारा वृत्त बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें बताऊंगा आपको कैसे फूल को बनाना है एंड इसको कैसे पेंट करना है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। यहाँ पे गाइस, मैं टोटल 3 तना बनाऊंगा, जो एक लेफ्ट साइड से रहेगा और एक राइट साइड से रहेगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं। सो गाइस, अगर आपको आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछनी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, पेंटिंग से रिलेटेड या ब्रश से या पेंसिल से रिलेटेड, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आगे के पार्ट को भी बना लेते हैं। सो गाइस, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप काफ़ी हद तक आर्ट बनाना सीख जाएंगे एंड काफ़ी अच्छा अपने बोर्ड एग्जाम में नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर मैं काफ़ी आसान तरीका से बताने वाला हूँ। सो गाइस, फूल को बनाने के लिए मैं काफ़ी आसान तरीके का यूज किया है, तो आपको सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक यूज करनी है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि इस वीडियो में देख रहे हैं। देन आपको बीच में एक ट्रिक करनी है कुछ इस प्रकार से। तो आप केयरफुली वॉच कीजिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए, कुछ इस प्रकार से बनेगा। एंड अगर आप प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर तो आप काफ़ी हद तक बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, अगर आपको आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछनी है, फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग से रिलेटेड या पेंसिल से रिलेटेड या ब्रश वगैरह से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो यहाँ पे कुल 5 पंखुड़ियाँ बनाऊंगा, तो मैक्सिमम 5 ही पंखुड़ियाँ रहती है गुड़हल के फूलों में, तो आपको भी 5 ही पंखुड़ियाँ बनानी है। इसके बाद गाइस, आपको इरेजर के माध्यम से आपको आउटलाइन को इरेज कर लेनी है, जो मैंने ट्रिक का यूज़ किया था, उस ट्रिक को यूज़ करने के बाद आप उसको इरेज कर दीजिएगा। देन आपको यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि क्लियरली आपको दिखे। तो चलिए इसको डार्क कर लेते हैं। डार्क करने के लिए भी मैंने यहाँ पे 2B पेंसिल का यूज़ किया है, कोई भी डार्क पेंसिल का यूज नहीं किया है। तो चलिए इसको डार्क कर लेते हैं। देन मैं आपको बताऊंगा इसको पेंट कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ डार्क करने के लिए। तो फाइनली हमारा फूल डार्क हो चुका है। देन आपको बीच से कुछ इस प्रकार से निकला जो होता है उसको भी बना लेनी है एंड इसको भी कुछ हद तक डार्क कर लेनी है। इसके बाद गाइस, आपको नीचे के पार्ट को बनाना है, तो यहाँ पर मैं एक कली बनाऊंगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो कली बनाना गाइस काफ़ी इजी होता है, बस आप अच्छी तरह से देखिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं काफ़ी आसान तरीक़ों का यूज़ किया हूँ बनाने के लिए, तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से यूज करनी है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड गाइस, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक हमेशा मिलती रहेगी। यहाँ पे गाइस, मैं कुछ पत्तियाँ बना दे रहा हूँ जिससे हमारा फूल काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो गाइस, अगर आपको पत्तियाँ बनाना नहीं आती हो तो आप हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर गाइस, मैंने काफ़ी आसान तरीक़ों से बताया है कैसे पत्तियाँ बनाई जाती है। तो चलिए इधर से भी एक पत्तियां बना लेते हैं। तो फाइनली गाइस, हमारा आर्ट बनकर तैयार हो चुका है। देन मैं यहाँ बताऊंगा आपको पेंट कैसे करनी है। तो पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे कैमल का पेंट यूज किया है, एक्रिलिक कलर। तो चलिए इसको पेंट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने ग्रीन पेंट का यूज़ किया है पत्तियों को बनाने के लिए। तो आपको भी कुछ ऐसे ही यूज करनी है एंड पेंट करनी है। यहाँ पे गाइस, आप देख सकते हैं मैंने 1 नंबर ब्रश का यूज़ किया है, तो आपको भी 1 नंबर ब्रश का यूज़ करनी है, ये काफ़ी स्मूथ चलता है। तो चलिए इसको पेंट कर लेते हैं। यहाँ पर गाइस, मैंने काफ़ी आसान तरीक़ों से बताया है कैसे इसको पेंट करते हैं, तो वीडियो पूरा देखिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए।
एंड गाइस मैं आपको बता दूं, अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप काफ़ी हद तक बनाना सीख जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए। देन गाइस आपको इधर की पत्तियों को भी पेंट कर लेनी है, तो चलिए इसको भी पेंट कर लेते हैं। सो गाइस ये पेंटिंग करने का काफ़ी आसान तरीका होता है, तो अगर आप इस प्रकार की पेंटिंग करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हद तक नंबर गेन कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए कैसे कैसे पेंट होता है। सो गाइस तना को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर डार्क ग्रीन पेंट का यूज किया है, तो आपके पास भी अगर डार्क ग्रीन पेंट हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छी तरह से पेंट कर लेते हैं। सो गाइस अगर आपको आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछनी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रश से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड एंड पेंसिल से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए इसको पेंट कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस हमारी पत्तियां पेंट हो चुकी हैं, अब मैं आपको बताऊंगा फूल को कैसे पेंट करना है। सो गाइस फूल को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नंबर ब्रश का यूज किया है एंड काफ़ी आसान तरीकों से बताया है, जिससे आप काफ़ी हद तक पेंटिंग करना सीख जाएं। इसलिए मैंने काफ़ी जितना हो सके उतना आसान तरीकों का यूज किया है, तो आप भी कुछ इस प्रकार से पेंट कीजिएगा। तो चलिए इसको पेंट कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा फूल पेंट हो चुका है, अब मैं आपको बताऊंगा बैकग्राउंड को कैसे पेंट करते हैं, जिसके लिए मैंने 6 नंबर ब्रश का यूज किया है एंड गाइस पेंटिंग के लिए मैंने येलो पेंट का यूज किया है। तो चलिए इसको पेंट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड को पेंट करना गाइस काफ़ी ईजी होता है, तो चलिए इसको पेंट करते हैं, देन आपसे मिलते हैं। यहाँ पर गाइस मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, तो चलिए इसको पेंट कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस मैंने डिफ़िकल्ट एरिया को पेंट करने के लिए 0 नंबर ब्रश का यूज किया है, तो चलिए इसको भी पेंट कर लेते हैं।
सो गाइस आउटलाइन को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे 0 नंबर ब्रश का यूज़ किया है एंड गाइस ब्लैक पेंट का यूज़ किया है मैंने आउटलाइन को पेंट करने के लिए। तो आपको भी कुछ इस प्रकार की पेंटिंग करनी है तो चलिए इसकी आउटलाइन को पेंट कर लेते हैं। आउटलाइन पेंट करने के लिए गाइस आप मीडियम प्रेशर का यूज कीजिएगा वरना कहीं मोटा या कहीं पतला हो जाएगा, तो आप मीडियम प्रेशर बनाए रखिएगा ब्रश में। तो चलिए इसकी आउटलाइन को पेंट कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा गुड़हल का फूल बनकर तैयार चुका है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड गाइस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।